अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्लटर डेवलपर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारी नेटफ्लिक्स क्लोन की सीरीज़ चल रही है, तो ये वीडियो तीसरी वीडियो है हमारी सीरीज़ के अंदर। और अगर आपने इससे पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हमने स्प्लैश स्क्रीन को कंप्लीट किया था, तो काइंडली आप वो वाली वीडियो जाकर देख लें। सो आज की वीडियो के अंदर हमारे पास जो ये बॉटम नेवबार की स्क्रीन है, हम इसको क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास जो ये स्कैफोल्ड तक का कोड लिखा हुआ है, ये इसको हम रिमूव कर देंगे। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँगा डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर। ऑलराइट, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर प्रोवाइड किया। अब सबसे पहले हमको इसकी लेंथ इसको देनी होती है। अब ऑफकोर्स हमको तीन आइकन्स चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। ऑलराइट, एंड देन अब यहाँ पर हमारे पास आया चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर मैं इसको दे दूंगा स्कैफोल्ड। ओके, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूंगा ताकि हमारे पास जो एरर्स आ रहे हैं वो रिमूव हो जाए। ऑल राइट, एंड देन आफ्टर डेट स्कैफोल्ड के अंदर, अब स्कैफोल्ड के ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर कोड लिखूंगा बॉटम नेविगेशन बार। ओके, एंड देन उसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं सबसे पहले इनको दूंगा कलर। ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कलर्स डॉट ब्लैक। ओके, ब्लैक कलर मैंने प्रोवाइड करा, देन मैं हाइट प्रोवाइड कर दूंगा 70। एंड देन आफ्टर डैट अब हम लोग यहाँ पर जो है टैब्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कंटेनर के चाइल्ड होते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँगा टैब बार, और टैब बार के अंदर यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट देके हम यहाँ पर अंदर देंगे इनको टैब्स। ओके, ये टैब्स आ गए। अब टैब्स के अंदर जो है बेसिकली एक एक करके हम टैब बनाएंगे। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर लिखा टैब, और टैब के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँगा आइकन। अब आइकन हमको कौन सा चाहिए? पहला आइकन हमको चाहिए होम का, तो हम यहाँ पर इस तरीके से आइकन्स डॉट होम इसको प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, हमने होम का आइकन दे दिया, और उसके बाद यहाँ पर ऑफकोर्स इसको टेक्स्ट भी देंगे हम, तो टेक्स्ट के अंदर हम इसको इस तरीके से होम प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, अब हमको यहाँ पर तीन आइकन्स चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद मैं इस टैब को कॉपी करता हूँ, और इसी टैब को इस टैब के बाद मैं तीन बार पेस्ट कर देता हूँ। तो एज यू सी ऑन माय स्क्रीन, मेरे पास यहाँ नीचे तीन आइकन्स आ रहे हैं, और मैं जब जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मुझे शो भी कर रहा है कि मैं किस आइकन के ऊपर हूँ। ऑलराइट, तो ये कैसे शो कर रहा है? तो यहाँ पर मैंने, आप देखें कि एक कलर सेलेक्ट किया था डीप पर्पल का, और यहाँ पर मैंने इसको दिया है ब्लैक कलर। तो जो आइकन बेसिकली उस वक्त सेलेक्टेड नहीं है, तो वो उसको ब्लैक कलर में शो कर रहा है, और जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो इन अ पर्पल कलर के अंदर स्विच हो जाता है। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले हमारा जो होम के आइकन है, होम के आइकन के बाद मैं दूसरा आइकन चाहिए मुझे सर्च का, और यहाँ पर जो टेक्स्ट है मैं उसको चेंज कर दूंगा सर्च के अंदर। ओके, एंड देन आफ्टर डैट मैं यहाँ पर आऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू एंड, और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूँगा हॉट। ओके, और यहाँ पर जो हमारे पास आइकन आएगा वो आएगा फोटो एंड अंडरस्कोर लाइब्रेरी आउटलाइन। सो एज यू सी कि हमारे तीनों आइकन जो हैं वो नीचे चेंज हो चुके हैं प्रॉपरली, सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अनसेलेक्टेड लेबल कलर, और यहाँ पर मैं इसको एक कलर प्रोवाइड कर दूंगा। अब कलर की जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली आएगी 0xff and then 9। ओके, तो जो वैल्यू है वो बेसिकली है 0x FF and 69। ओके, ये मैंने 69 प्रोवाइड करा है, मैंने सेव किया। सो एज यू सी कि अब हमारा जो कलर्स हैं आइकन के वो थोड़े से ब्राइटर हो चुके हैं जो अनसेलेक्टेड हैं। ओके, एंड देन आफ्टर डैट मैं यहाँ पर लेबल कलर पे जाऊँगा, और लेबल कलर को मैं प्रोवाइड कर दूंगा कलर्स डॉट वाइट। ओके, ये हमारा लेबल कलर भी अब वाइट हो चुका है। सो एज यू सी के जैसे सेलेक्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा ब्राइटर हो रहा है, और जो अनसेलेक्टेड है वो कम ब्राइटर है। ऑलराइट, एंड देन आफ्टर डैट यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करूँगा इंडिकेटर कलर, और इंडिकेटर कलर के अंदर मैं इसको दे दूंगा कलर्स डॉट ट्रांसपेरेंट। ऑलराइट, दैट्स इट। अब जो हमारे पास एक पर्पल कलर का शेड आ रहा था वो हमने एक रिमूव कर दिया है, और ये प्रॉपर अब जो सेलेक्टेड है वो थोड़ा सा डार्क, सॉरी थोड़ा ब्राइट लाइट है, और जो अनसेलेक्टेड है वो थोड़ा सा डल लाइट है। ओके, एंड देन आफ्टर डैट यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे बॉडी। ओके, अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए हमने यहाँ पर तीन आइकन्स तो क्रिएट कर लिए हैं। अब जब हम इन तीन आइकन्स पे स्विच हो रहे हैं तो हमारे पास कोई स्क्रीन हमारे पास शो नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस बॉडी के अंदर बेसिकली होगा ये कि हम टैब बार व्यू इसको प्रोवाइड करेंगे, और टैब बार व्यू के अंदर अब मैं इसको दूंगा चिल्ड्रन।
अब चिल्ड्रन देने के बाद हमारी जितनी भी स्क्रीन्स होंगी वो यहाँ पर कॉल कर दी जाएंगी। अब जैसे कि तीन स्क्रीन्स हमको चाहिए होंगी, एक होम स्क्रीन होगी, एक सर्च स्क्रीन होगी एंड एक होगी मोर स्क्रीन। ऑल राइट, तो मैं स्क्रीन्स के फोल्डर में जाके मैं यहाँ पर तीन स्क्रीन्स को क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मेरी जो स्क्रीन बनेगी उसका नाम होगा होम स्क्रीन डॉट डॉट। मैं यहाँ पर इसको stls प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पर फ़ौरन से मैं इसको नाम दे के इधर भी स्कैफोल्ड दे देता हूँ ताकि एरर्स रिमूव हो जाए। उसके बाद हमारी सेकेंड स्क्रीन बनेगी जिसका नाम होगा सर्च स्क्रीन डॉट डॉट, सर्च स्क्रीन डॉट डॉट। एंड देन यहाँ पर भी सेम थिंग मैं करूँगा, सॉरी यहाँ पर भी मैं स्टेटलेस प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको स्टेटलेस प्रोवाइड करा एंड देन यहाँ पर मैंने सर्च स्क्रीन दिया, कंटेनर को रिमूव करके मैंने स्कैफोल्ड दे दिया, डेट सेट। अब उसके बाद स्क्रीन में जाके एक और लास्ट हमारी स्क्रीन बनेगी जिसका नाम होगा मोर स्क्रीन डॉट डॉट। यहाँ पर भी सेम चीज़ मैं करूँगा, मोर स्क्रीन, और यहाँ कंटेनर को हटा के मैं लिख दूंगा स्कैफोल्ड, डेट सेट। ऑलराइट, तीनों स्क्रीन हमारी क्रिएट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर और जो हमारा चिल्ड्रन है और उस चिल्ड्रन के अंदर हम उन तीनों स्क्रीन को कॉल कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होम आएगी, देन सर्च आएगी हमारी, ओके सर्च स्क्रीन आ गई, और उसके बाद हमारे पास आएगी हमारी मोर स्क्रीन, ये भी यहाँ पर आ गई। ओके ऑलराइट, तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा बॉटम नेविगेशन बार का जो कोड था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और जितनी भी हमारे पास वार्निंग्स आ रही हैं हम इसको कॉन्स्टेंट मॉडिफाई करके रिमूव कर देंगे क्योंकि वो कॉन्स्टेंट की वार्निंग्स थी। ऑलराइट, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैं स्विच कर रहा हूँ तो स्टिल आपको कोई चीज़ शो नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही? इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमने अगेन कुछ नहीं लिखा हुआ। तो भाई यहाँ पर अगेन अगर आपको कुछ लिख कर दिखा दूँ ताकि आपको जो है वो एक आइडिया हो जाए कि हम किस स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं, तो हम चलते हैं टेक्स्ट पे और यहाँ पर लिख देते हैं हाय आई एम होम स्क्रीन, ओके। और उसके बाद यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जाता हूँ सर्च स्क्रीन के अंदर, और सर्च स्क्रीन के अंदर यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ सर्च, एंड देन मोर स्क्रीन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर सेम कोड को करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ मोर स्क्रीन, डेट्स इट। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर मेरे कोड को और रिस्टार्ट करता हूँ। सो एज यू सी के स्प्लैश स्क्रीन आई विद एनिमेशन, देन हम लोग आ गए डायरेक्टली हमारी होम स्क्रीन के ऊपर। अब होम स्क्रीन पे बेसिकली हम आ कैसे रहे? हम आ ऐसे रहे हैं कि स्प्लैश स्क्रीन स्विच करती है बॉटम नेविगेशन बार के ऊपर, ओके। यहाँ पर हमने तीन की लेंथ दी हुई है क्योंकि हमको तीन आइकन्स चाहिए और तीनों आइकन्स के ऊपर हमने इस तरह से स्क्रीन सेट कर दी हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही मैं अगर होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं होम स्क्रीन के ऊपर हूँ, सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मैं सर्च स्क्रीन पे चले जाता हूँ, और न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो मैं ऑलरेडी जो है मोर स्क्रीन के ऊपर चले जाता हूँ। अब जैसे कि हम लोग स्प्लैश स्क्रीन के अंदर लॉजिक इस्तेमाल कर रहे थे नेविगेटर डॉट पुश की, तो यहाँ पर बेसिकली उसी तरीके से एक किस्म की लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए टैब बार्स बनाए गए हैं और उन टैब बार्स को आइकन और नेम प्रोवाइड करने के बाद स्क्रीन्स कॉल कर दी गई हैं। अब हमको अगर तीनों स्क्रीन पर जाना होता तो तीनों स्क्रीन के लिए बेसिकली अलग से कोड लिखना पड़ता, फिर नेविगेट करके पुश करना पड़ता, तो इन चीज़ों से बचने के लिए बॉटम नेविगेटर बार का इस्तेमाल करा है जिसमें हम जिसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी स्क्रीन ऑटोमेटिकली स्विच होती रहेंगी। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो के अंदर हम इन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे या जो बेसिकली जहाँ से हमको API उठानी है हम उसको सेटअप करेंगे। सो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, और काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इन ट्यूटोरियल से अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।